आरसे एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थी, आज हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्लास 9 और इसमें प्राकृतिक वनस्पति, देखिए प्राकृतिक वनस्पति इसमें आपको कुछ बता भी दिया गया था कि प्रकृति के ऊपर इस प्रकार के पेड़ पौधे जो मानव के द्वारा बिना उगाए उगाते हैं, ऐसे वनों को या ऐसी वनस्पति को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति के रूप में कहा जाता है। अब ये प्राकृतिक वनस्पति यानी चाहे कहीं पर, चाहे विश्व के आधार पर देखें, चाहे वो भारत के आधार पर देखें या राजस्थान के रूप में देखें, ये हर क्षेत्र में अलग अलग रूप में पाई जाती है। इसमें काफी विविधता देखने को मिलती है। इस प्राकृतिक वनस्पति के बारे में यदि अध्ययन करें तो हम यहाँ भारत में देखा गया कि इन वनों के ऊपर विशेष महत्व दिया गया और ये हरी भरी वनस्पति जो पर्यावरण को क्या है, साफ और स्वच्छ बनाए बनाती है। और जब साफ और स्वच्छ बनाएगी तो उससे जो भी प्राणी जीव हैं उसके स्वास्थ्य के लिए ये क्या है, एक प्राण वायु के रूप में कार्य करती है। इसलिए हमें इस प्राकृतिक वनस्पति को बचाए रखना हमारा दायित्व बनता है। यदि हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला समय हमारे लिए क्या है, खतरनाक उत्पन्न यानी खतरनाक रूप में साबित हो सकता है, क्योंकि उसमें जो पर्यावरण की जो स्थितियां हैं वो क्या हो सकती हैं, प्रदूषित रूप में हो सकती हैं। तो देखिए इसमें कि भारत की बात करें तो भारत में सन 1952 में एक राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई। कब बनाई गई? सन 1952 में। क्या बनाई गई? राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई। और इस राष्ट्रीय वन नीति के तहत ये निर्धारण किया गया कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल बताओ कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। यानी ये बताया गया कि भारत के कुल क्षेत्रफल के एक तिहाई भाग पर या 33% भाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि 1952 के आसपास देश में वनों की स्थिति 33% तो नहीं थी लेकिन इसके लगभग थी। उस समय देश के अधिकांश राज्यों में यानी सघन वन के रूप में पाए गए, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इन वनों की कटाई दिन प्रतिदिन होती गई और वनों की कटाई दिन प्रतिदिन होती गई, इनका क्षेत्र भी कम होता गया। और जैसे क्षेत्र कम हुआ तो उससे जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण है वो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता चला गया, अर्थात जो वातावरण की स्थितियां हैं वो बिगड़ती चली गई। और जैसे वातावरण की स्थितियां बिगड़ी उसी अनुसार से हमारे सामने अनेक ऐसी बीमारियां जो लाइलाज के रूप में हैं उनका जन्म हुआ, जैसे कि आज हमारे सामने ये कोरोना की स्थिति बनी हुई है जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है और अभी तक इसका क्या है, इलाज नहीं हो पाया है। तो ऐसी जो बीमारियां हैं वो बीमारियां जिनका कोई अता पता तक नहीं है, ऐसी बीमारियों ने जन्म लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वनों की बहुत महत्वता हमारे लिए मानी गई है। अब इस 1952 की नीति के आधार पर क्या था कि 33% भाग पर वन होने चाहिए,
लेकिन लोगों ने इसके ऊपर ध्यान देना बहुत कम किया, यानी बहुत कम ध्यान दिया। और जब ध्यान कम दिया तो इन वनों का जो प्रतिशत है वो धीरे धीरे और कम होता चला गया। और जब कम होता चला गया तो इस स्थिति को देखते हुए सन 1988 में एक संशोधित नीति बनाई। और इस संशोधित नीति के आधार पर देखा गया कि यदि अब भी कोई इन वनों की कटाई करेगा तो उसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। और इसी के आधार पर देखा गया कि किसी भी क्षेत्र में उसके कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। लेकिन भारत की इस बढ़ती हुई जनसंख्या ने इन वनों का प्रतिशत दिन प्रतिदिन कम किया। और ये स्थिति सन 2001 की बात करें, सन 2001 में भारत के केवल 19.49% भाग पर ही वन पाए गए। कितने प्रतिशत भाग पर? मात्र 19.49% भाग पर क्या पाए गए? वन पाए गए। अर्थात ये 20% से भी कम क्षेत्र पर क्या पाया गया? ये वन का क्षेत्र पाया गया। इस आधार पर कह सकते हैं कि भारत में जो वनों की स्थिति है वो दिन प्रतिदिन कम होती गई और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है वो बढ़ती चली गई। इस समस्या को दूर करने हेतु क्या किया सरकार ने? इन वनों की कटाई के ऊपर क्या किया? प्रतिबंध लगाया। धीरे धीरे लोगों को जागरूक किया और उसके बाद इन वनों के प्रतिशत में कुछ वृद्धि हुई। और धीरे धीरे ये वृद्धि 2011 में अगर देखें, 2011 में यानी ज्यादा वृद्धि नहीं हुई, लेकिन इसकी तुलना में यहाँ पर 21.05% के लगभग ये क्या है, वन पाए गए हैं। जो राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 की थी और 1988 में जो संशोधित नीति बनाई गई उसके तहत बताया गया था कि 33% भाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। लेकिन अब भी ये वन काफी कम है। इस कारण से भारत में वनों की जो स्थिति है आज भी अगर देखें तो एक दयनीय रूप में देखने को मिलती है। अब आगे हम बात करते हैं भारत में वनों के प्रकार, कि भारत में कौन कौन से वन पाए गए हैं और ये किन क्षेत्रों की ओर पाए गए हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से पूछा जाता है। तो देखिए भारत में वनों के प्रकार, भारत में वनों के प्रकार, भारत में वनों के प्रकार, यहाँ भारत में ऐसे कौन कौन से प्रकार के वन पाए गए हैं? क्योंकि भारत की स्थिति एक उष्णकटिबंधीय देशों के रूप में मानी जाती है। अब उष्णकटिबंधीय देशों के आधार पर अगर देखें तो ऐसे कौन कौन से वन हैं, उनमें से नंबर एक आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नंबर कौन सा प्रकार बताया? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नंबर दो मानसूनी या पतझड़ वन।
नंबर तीन, उष्ण कटिबंधीय वन। नंबर चार, मरुस्थलीय वन। नंबर पांच पर्वतीय वन। और नंबर छह, ज्वारी या इनको मैग्रो वन भी कहते हैं। तो इस कारण से भारत में वनों के कितने प्रकार पाए गए हैं? ये छह प्रकार पाए गए हैं। उन छह प्रकारों में अभी आपको बताया कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, नंबर दूसरा मानसून जिनको पतझड़ वन भी कहते हैं, नंबर तीसरा उष्णकटिबंधीय वन है, नंबर चार मरुस्थलीय वन है, नंबर पांच पर्वतीय वन है जिनको शीतोष्ण कटिबंधीय वन के रूप में भी कहा गया है, और नंबर छह है ज्वारीय या मैग्रोव वन। अब इसमें सबसे पहले अपन लेते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब इनकी देखिए विशेषता की बात करें कि इन वनों में जो वर्षा है ना, कौन से वनों में? उष्ण कटिबंधीय वनों में वर्षा होती है 200 सेमी से अधिक। नाम आ रहा है सदाबहार वन, अर्थात ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो वर्षा कितनी होती है? 200 सेमी से अधिक होती है। यहां पर अगर तापमान की बात करें, तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग पाया जाता है, तापमान कितना पाया जाता है? 28 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग पाया जाता है। नंबर तीसरी बात करें तो यहां पर जो पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों की जो ऊंचाई है, क्या ऊंचाई, वो ऊंचाई 40 से 60 मीटर के लगभग पाई जाती है। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, और उसमें आपको बताया गया कि यहाँ पर वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है, तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग पाया जाता है, यहाँ पर जो पाए जाने वाले जो वृक्ष और उन वृक्षों की जो ऊंचाई है 40 से 60 मीटर के लगभग होती है। अब ये जो वन है भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनकी अगर बात करें तो जिसमें भारत के जो तटीय क्षेत्र है, जैसे ये हैं अभी आपको जैसे नक्शे के आधार पर बताएं तो उनमें से देखिए अपन यहाँ भारत की स्थिति देखें तो इसमें कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए गए हैं। तो इसमें पहली बात तो यहाँ ये भारत के तीन प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत पाए गए हैं, जिसमें ये तटीय क्षेत्र है, कौन सा तट है? ये पश्चिमी तट के रूप में, इस पश्चिमी तट के आसपास इधर से अगर देखें
तो ये पूर्वी तट है। इस पूर्वी तट के आसपास और उसके बाद में यहां अगर देखें जो ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो केंद्र शासित प्रदेश है। इन क्षेत्रों में ये कौन से वन पाए गए हैं, सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के रूप में पाए गए हैं। यहाँ पर जो वर्षा है वो 200 सेमी से अधिक होती है और 200 सेमी से अधिक होने के कारण ये वन क्या है, हमेशा हरे भरे रहते हैं। और इन वनों में या इन वृक्षों की जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ी होती हैं और इनमें जो सूर्य का जो प्रकाश है वो बहुत कम पहुंच पाता है, और सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंच पाने के कारण इनमें पतझड़ भी बहुत कम होता है। तो इसी कारण से यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की स्थिति दी गई है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने वनों के 6 प्रकार बताए और उन 6 प्रकार के वनों में सबसे पहले अपन ने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में बताया। इसके अलावा जो शेष बचे हुए वनों के जो प्रकार हैं, इन वनों के प्रकार को आपको कल बताया गया। आज इतना ही, थैंक यू।